हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए प्यारे बच्चों, यहां आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पोलोनोमियल बहुपद किस चैप्टर से है। ये पोलोनोमियल बहुपद चैप्टर से है जो कि आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2 है, चैप्टर नंबर 2 है। 2020 के प्रथम पाली में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सबको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और एक बात को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, हर साल बहुपद से सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। अगर आप चाहते हैं 5 से 7 नंबर लाना तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपका 5 नंबर कटिस हो जाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में, इसलिए आप लोग चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। धमाकेदार और मजेदार होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पॉलीनोमियल बहुपद 2020 के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को कृपया स्किप ना कीजिएगा, अगर इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा तो आपको 4 से 5 नंबर आने की पूरी गारंटी है मेरे तरफ से। चलिए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यदि द्विघात समीकरण x²-px+4=0 के मूल बराबर हो तो p का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। यदि द्विघात समीकरण x²-px+4=0 के मूल बराबर हो, तो मैंने बताया था द्विघात समीकरण के अगर मूल बराबर होते हैं तो d का वैल्यू 0 हो जाता है। मैंने बताया था अगर द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो d का वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब d का वैल्यू होता है b²-4ac बराबर 0 है, तो बराबर 0 लगा दीजिए। ये d बराबर 0 हम क्यों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल आपस में समान है, जब भी मूल समान होंगे तो d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है। तो d का वैल्यू होता है b²-4ac। अब पुट कीजिए यहाँ पे ये a है और b है, b का वैल्यू क्या है तो -p है, तो -p का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है तो 1 है, 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है तो 4 है, तो 4 रख दीजिए बराबर 0 हो गया। अब देखिए -p का स्क्वायर तो हो जाएगा p² माइनस 4×16=0 हो गया। अब देखिए -16 इधर है, उधर जाएगा तो क्या होगा +16 हो जाएगा, तो p²=16 हो गया। और p यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा ±√16 हो जाएगा, प्लस माइनस, और 16 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 4 होता है, तो p का वैल्यू क्या हो गया ±4 इसका आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए b में दिख रहा है, तो एक का आपको b करेक्ट हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर b करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया कि यदि द्विघात समीकरण, आपको द्विघात समीकरण इतना दिया गया है x²-px+4=0 दिया गया है, आपको द्विघात समीकरण x²-px+4=0 दिया गया है, इसके मूल बराबर है, जब भी मूल बराबर होगा ना, मूल बराबर होगा तो d का वैल्यू 0 हो जाता है, d का वैल्यू 0 हो जाता है, मूल बराबर होंगे तो d का वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। और d का वैल्यू क्या होता है तो होता है b²-4ac होता है, d का वैल्यू होता है b²-4ac=0 हो गया। अब b का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए, ये b का वैल्यू है, ये a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू यहाँ पे -p है और c का वैल्यू 4 है, तो b का वैल्यू यहाँ पर रख दिया -4, a का वैल्यू 1 रख दिया और c का वैल्यू 4 रख दिया, कैलकुलेशन कर दिए p का वैल्यू आ गया +-4 इसका आंसर हो गया। चलिए एक नंबर को देख लिए हम लोग, आइए दो नंबर में आते हैं। दो नंबर में देखिए, एक नंबर कंप्लीट हो गया, दो में बोला जा रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यंकों का योग बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यंकों का योग को निकालिए। तो देखिए मैं कैसे निकालता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, हाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, द्विघात बहुपद इतना के शून्यंकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले इसको लिखिए यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है x(2x-5-3) लिखा हुआ है। देखिए x(2x-5-3) लिखा हुआ है कि शून्यंकों का योग पूछा जा रहा है। जब भी आपको शून्यक निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, बराबर में 0 पुट करना होता है। चलिए पहले सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, जब एक्स से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा 2x², और फिर x से इसमें जब गुना होगा तो -5x और -3। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, x को इसमें गुना किए तो 2x² मिल गया, अब प्लस माइनस माइनस 5x और -3 हो गया। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 2 है और b का वैल्यू क्या है तो -5 है और c का वैल्यू -3 है। ध्यान दीजिए a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू -3 है। अब शून्यंकों का योग बोला जा रहा है, तो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था,
होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यही ना होता है, अल्फा प्लस बीटा इसका शून्यक है और शून्यकों का जो करना है मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, पुट कर दीजिए, माइनस का माइनस हो गया और बी का वैल्यू क्या है तो माइनस पाँच है और ए का वैल्यू क्या है तो दो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पाँच बट्टे में दो आंसर हो जाएगा। पाँच बाई दो कहीं पर दिख रहा है देखिए तो, हाँ यहाँ पर डी में देखिए दो का ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा। देखिए पाँच बाई दो आ गया, फिर से समझ लीजिए क्या बोला गया था यहाँ पे, यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया गया था, इसके शून्यकों का योग निकालना था, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे आ गया तो ए का वैल्यू दो हो गया और बी का वैल्यू माइनस पाँच हो गया, सी का वैल्यू माइनस तीन हो गया। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग तो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस का माइनस बी का हो गया माइनस पाँच है, ए बी बाई ए आंसर हो गया। अब देखिए तीन में आइए, तीन में आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, कौन बहुपद है, तो बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था होता है द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में कौन बहुपद है, यहाँ पे देखिए ये रूट एक्स में है, ये रूट एक्स में है, रूट वाला कभी बहुपद होता ही नहीं है, याद रखिएगा रूट में कभी आ जाए बहुपद होता ही नहीं है, ये नहीं होगा काट दीजिए पहले इसको। ये देखिए पावर में तीन बाई दो है, पावर में वन बाई दो, पावर वाला भी कभी बहुपद नहीं होता है, तीन बाई दो इसका पावर है या वन बाई टू, फ्रैक्शन में रहे ना पावर जो होता है उसका भिन्न रहे फ्रैक्शन में रहे तो कभी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे रूट में दिख रहा है, ये भी कभी होगा ही नहीं, यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर बाहर है, ये एक्स बाहर है, ये हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, रूट में कभी भी रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, या फ्रैक्शन में उसका पावर है, भिन्न में उसका पावर है, उसका जो पावर है ना भिन्न में रहे, जैसे तीन है बट्टे में दो है एक बट्टे दो, ये भी कभी नहीं होगा, यहाँ भी रूट में हो गया, ये कभी होगा ही नहीं, यहाँ पे देखिए तो यही ना हो जाएगा, जब तीन को नहीं हुआ तो चौथा तो होगा ही, तो यहाँ पे तीन का ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट हो जाएगा। आइए चार में आते हैं, चार में बोला गया है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है तथा गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू गिवन है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमको अल्फा और बीटा दिया रहे और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। जब आपको शून्यंकों का योग दिया रहे और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस आपको दिया हुआ है शून्यंकों का योग तीन मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तीन है, तीन रख दीजिए यहाँ पे, तीन एक्स का एक्स और प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल माइनस दस है, माइनस दस कर दीजिए यहाँ पे, कैलकुलेट कीजिए इसको एक्स स्क्वायर आप प्लस माइनस माइनस थ्री एक्स आप प्लस माइनस दस आंसर हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस दस, देखिए कहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस दस ये होगा नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ये भी हो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस दस ये देखिए सी नंबर आपको करेक्ट हो जाएगा। चार का एक देख लिए, दो देख लिए, तीन देख लिए, चार भी देख लिए, चार का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपको। फिर से समझिए एक बार, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तीन, शून्यंकों का योग तीन मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तीन दिया हुआ है तथा गुणनफल दस मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस दस दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हमको शून्यंकों का योग दिया रहे और शून्यंकों का गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अब वैल्यू पुट कीजिए तो मिल जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस दस आंसर, तो हो जाएगा चार का सी करेक्ट हो जाएगा। आइए पाँच पे चलते हैं, पाँच में क्या बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन ए पे आइए, ये देखिए क्या बोला गया है, ये पावर में तीन आ गया, मैंने बताया था द्वि मतलब दो है, घात मतलब पावर, जिसका पावर में दो हो वो द्विघात बहुपद होता है और बराबर में जीरो लगा दीजिए द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगा, तो पावर में दो होना चाहिए, ये तीन हो गया यहाँ पे, ये तो त्रिघात बहुपद हो गया तो ये तो कट गया, ये होगा ही नहीं। ये देखिए ये रूट में आ गया, अभी क्या बताया था कि रूट में कभी भी आ जाए तो द्विघात बहुपद ना होगा ना द्विघात समीकरण होगा, तो इसको भी काट दीजिए ना ए होगा ना बी होगा। आइए सी पे आते हैं, आइए पहले डी पे आते हैं, सी को छोड़िए डी पे आइए, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, जैसे यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर चार हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर गुना होगा ना, जैसे यहाँ पे एलसीएम एक्स स्क्वायर लीजिएगा
तो एक से स्क्वायर में एक से पावर फोर हो जाएगा। ये भी होगा नहीं, ये कट गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे पावर में चार मिल जा रहा है, चतुर्थ बहुपद हो जा रहा है, वहाँ पे चार खातों वाला बहुपद हो जा रहा है। तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो पावर में दो होना चाहिए और बराबर में जीरो होना चाहिए। तो पावर में तीन है, होगा नहीं, काम खलास है। यहाँ रूट में आ गया, होगा नहीं, काम खलास है। इसका भी काम खलास है, तो सी नंबर हो जाएगा। पाँच का सी करेक्ट हो जाएगा ना, पाँच का सी करेक्ट हो जाएगा। आइए छः में आते हैं। निम्नलिखित में एक से स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स माइनस इतना के शून्यंक हैं, इसका शून्यंक निकालना है। तो आइए हम लोग शून्यंक निकाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं शून्यंक निकालता हूँ। यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस तीन बराबर जीरो। शून्यंक निकालना होता है तो बराबर में जीरो लगा देते हैं। जब भी शून्यंक निकालना होता है तो बराबर में हम लोग जीरो लगा देते हैं। तो निकालिए, इसका फॉर्मूला जानते हैं, होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में टू ए होता है। ये दिखाई दे रहा है जी, ये दिखाई पड़ रही है? चलिए ठीक है, देखिए निकालते हैं। यहाँ पे x बराबर माइनस बी मतलब माइनस अब माइनस टू, देखिए यहाँ पे क्या रूट टू एक्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट, ये ऊपर वाला मैं देख ले रहा हूँ, ये ना लिखा हुआ है, यहाँ ना लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स लिखा हुआ है, अब माइनस का बारह। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक, देखिए यहाँ पे आपको मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मज़ेदार ट्रिक यहाँ पे सीखिए। वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, सिर्फ देखते देखते आंसर बताना है। इसलिए बोले कि वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा, नहीं तो आपका पाँच नंबर कटिस हो जाएगा, आपका पाँच नंबर कटिस हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि वीडियो को छोड़ कर नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में इतना के शून्यंक है, तो मैंने देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यह द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, और द्विघात मतलब दो शून्यंक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू अंदर भी बता देगा कि एक होगा यहाँ पे, और बी का वैल्यू तो माइनस रूट टू होगा, और सी का वैल्यू तो माइनस बारह होगा। देख बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू वन है, या बी का वैल्यू माइनस रूट टू है, या सी का वैल्यू माइनस बारह है, द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो वैल्यू रखिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस रूट टू बट्टा में ए वन, तो माइनस यहाँ पे रूट टू आ गया। और जानते हैं कि अल्फा इंटू बिट्टा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस बारह बट्टा में वन, तो माइनस बारह। अब देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है कि माइनस रूट टू या माइनस बारह, देखिए तो कहीं दिख रहा है माइनस रूट टू या माइनस बारह, कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो नॉन हो जाएगा। यहाँ पे बनाने की क्या जरूरत है इसको, इसको बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मार दीजिए इसको। जैसे मैं यहाँ पे ट्रिक बताया ऐसे सॉल्व करना है आपको, वो कैलकुलेट नहीं करना है। क्या बोला गया था कि निम्नलिखित में इतना के शून्यंक है, तो ये द्विघात बहुपद आपको गिवन है, मैंने उसको लिख दिया। इसके दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इसके दो मूल होते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे वन है, या बी का वैल्यू माइनस रूट टू है, और सी का वैल्यू माइनस बारह है। तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस का माइनस है, और बी का वैल्यू माइनस रूट टू रख दिया यहाँ पे वन, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पर माइनस माइनस बारह प्लस ना आएगा, रूट टू आएगा यहाँ पे रूट टू, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो माइनस बारह बाई ए, तो माइनस बारह। तो एक इसका मूल आ गया रूट टू, एक आ गया माइनस बारह आ गया, तो यहाँ पे कहीं दिख ही नहीं रहा है। इसका शून्यक जो है, शून्यक को ही मूल बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं, शून्यक को ही हम लोग रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है रूट टू, एक माइनस बारह, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो नॉन हो जाएगा। आइए सात नंबर के बढ़ते हैं, छः हो गया, सात में आइए। सात में बोला गया है द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक हैं, द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक है। आइए हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्स एक्स माइनस टू। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्स एक्स माइनस टू के शून्यंक निकालना है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, क्योंकि पावर में दो है इसके, और रूट में भी नहीं है। इसके दो शून्यंक, एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। यहाँ पे जब ए का वैल्यू निकालिएगा तो ए का वैल्यू यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है, और बी का वैल्यू यहाँ पे वन बाई सिक्स दिखाई दे रहा है, और सी का वैल्यू यहाँ पे माइनस टू दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे
ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू 1/6 है और सी का वैल्यू -2 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो होता है -b/a। तो -1/6 बट्टा में ए का वैल्यू 1 हो गया, कितना हो जाएगा ये -1/6 × 1/1, ये तो -1/6 से रह जाएगा। ये अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो आएगा c/a, तो c का वैल्यू है -2 है a, तो माइनस देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है कि -1/6 है -2, -1/6 कहीं देख ही नहीं रहा है, इसका भी नॉन हो जाएगा। देखिए मैं कितना आसान तरीका यहाँ पे आपको बताया, जो भी यहाँ पे दिया है उसको लिख देना है, ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। और जानते हैं कि द्विघात बहुपद है तो इसके दो मूल होंगे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकाल लीजिए तो एक शून्यक मिल गया -1/6 आ रहा है और दूसरा शून्यक आ रहा है -2। यहाँ पे कहीं शून्यक दिए गए नहीं, ऑप्शन में -3/4 है, -3/2 है, 4/3 है, इतना है, तो ये नॉन हो जाएगा, इसका भी नॉन होगा, इसका भी नॉन होगा, 6 और 7। देखिए तो आपके 2020 के एग्जाम में प्रथम पाली में, 2020 के प्रथम पाली में जितने भी बहुपद पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर साल आपके एग्जाम में यहाँ से 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल यहाँ से आपके एग्जाम में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसलिए इसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छा से देखिएगा, बहुत ही समझ समझ कर देखिएगा अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड में तो। और देखिए यहाँ पे चलिए मैं और क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को अगर चैनल पर आप नए हैं तो, और अपना कमेंट जरूर कीजिए कि आप यह वीडियो कैसा लगा और किस चैप्टर के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं, जिस भी चैप्टर के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हैं कृपया कमेंट करके हमको बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके समक्ष अपलोड कर दूंगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग, टेक केयर।